पिंड दो बंदे को दौलत आई है, दोवे ने बारी बारी एक इज्जत की बोली दी, उन्होंने यह भी नहीं सोचा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं तारक सानी ते तुसी वेख रहे हो मेरे यूट्यूब चैनल रैपर एंटरटेनमेंट प्लस। अज एक पंजाबी जबान की बहुत ही जबरदस्त और एक बहुत ही मज़ेदार फिल्म लैके तुहाड़ी खिदमत विच हाज़र हो रहा। उस फिल्म का नाँ है सज्जन बेपरवाह। चौदह जुलाई 1972 बरोज जुमा रिलीज होने वाली एक रंगीन पंजाबी फिल्म सज्जन बेपरवाह। नादरीन, इस फिल्म का मौजू सोशल है, जेड़ी खानदानी रवायती दुश्मनी होंगे उस मौजू ते ये फिल्म बनाई गई है। इस फिल्म के अदाकार इकबाल हसन, जेल का मैला कंबल पा के जुमरद, हर वेले ही सोचती रहनी है, नगमा, इस कार च जन्म लेंदियां ने, हबीब, गरीब माँ का मजदूर पुत्रा ते कामा, असद बुखारी, अपनी जवानी नू अपनी हवेली च, शेख इकबाल, ते इन्ना जानना कि तियां पराया तन हुंदियां, सीमा बेगम, इको ते जिद कीती है मेरे लाल ने, अलियास कश्मीरी, दौलतियां लम्मियां बावां नू अपने घर, अली इजाज, कोई बादशाह छैन छाव ने तियां गां तो, मुनव्वर जरीफ, ते बच्चे दे भी दंद नहीं होंदे, रजिया, फजल हक, नूरजान। और नाजरीन, इस फिल्म के तमाम गाने सुपर हिट सन। अच्छी कहानी ते बेहतरीन म्यूजिक की वजह तो इस फिल्म ने अपने दौर सुपर हिट बिजनेस किया। इस फिल्म के अंदर अदाकार हबीब ते नगमा, इकबाल हसन ते जुमरद दी जोड़ी बनाई गई है। तुम मेरे सामने क्यों होते हैं? खुदा दे वास्ते ना जालिम रुके दे मां, मैं बेगैरत नहीं, ते मैंने ते ऐसे लगता है जुल्म तेरे सामने नहीं मेरे नाल होना है। और नाजरीन, इसका म्यूजिक जैसा मैं पहले दसा कि बहुत ही शानदार है। इकबाल हसन नू जदू कतल दे जुर्म विच वो जेल जाता है तो उन्होंने फांसी की सजा होती है, तो सुमरत ते पिक्चराइज किया हुआ गाना जेड़ा अपने दौर का सुपरहिट गाना सी, बरी बरी इमाम बरी सरकार बरी, तो बहुत ही मजा देगा। बरी बरी इमाम बरी। उस तो अलावा जेड़ा दूसरा गाना है, जो इकबाल हसन नू छुरियां लगदियां तो मौत तो याद की कश्मकशित होंदा है, तो उस वक्त अदाकारा जुमरत ते फिल्म बंद किया होया गीत, असा तो आखिया असी सानू ना बुलाएंगे, ये तो नहीं से कि असी जान छड़ जाएंगे, अपने दौर का सुपरहिट गाना है। और अजे तक बरी बरी इमाम बरी और असा तो आखिया सी, इस तू अलावा दिल चला, दिल कमला, दिल चला कला, यह उस दौर के सुपरहिट गाने सुन, इन गाने और कहानी की वजह तू यह फिल्म सुपरहिट रही है। यह फिल्म यूट्यूब पर मौजूद है, तुसी यह फिल्म यूट्यूब पर जाके सर्च करके वेख सकते। और कॉमेडी कॉमेडी किंग मुनव्वर ज़रीफ, अली जाज और रजिया ने बाकमाल कॉमेडी का मुजाहरा किया। अली जाज ने एक नशेद रूप में बहुत ही लाजवाब अदाकारी की है, और इस अलावा रजिया और मुनव्वर ज़रीफ ने भी बहुत अच्छा काम किया। मैं सियाना ना कहो वरना मैं आ नोट फिर जेब च पा ला। ना ना ये शादू नु फड़ा दे पुत्र। हां ए ले फड़ शादू। चाचा तू ही रख लेंदा चंगी गल। ओ तो तू फड़ ला तेरे हाथ। हबीब ते नगमा दी जोड़ी बनाई गई है। हबीब दा नाम जानी आंदा है ते इकबाल हसन दा नाम अच्छू आंदा है। अच्छू ते नगमा पीनो ए आपस विच भैण ते भरा होंदे ने। असद बुखारी वो को कतल करवाता है तो इकबाल हसन जेल चला जाता है। और इस तू अलावा हबीब ने बहुत अच्छी एक्टिंग का मुजाहरा किया। जानी नाम होता है हबीब की वालदा का करैक्टर सीमा बेगम ने अदा किया है। हबीब ने भी और नगमा ने भी बड़ा अच्छा काम किया है। और इस फिल्म के अंदर नगमा ते हबीब ते फिल्मांत किया एक गाना सत बिस्मिल्ला जी आया नू, अपने दौर का बड़ा ही अच्छा और बड़ा ही सुपरहिट गाना। अलियास कश्मीरी ने जागीरदार के रूप
अच्छा काम किया। उस अलावा शेख इकबाल ने पीनो ते अच्छू दे बाले का करैक्टर किया और बड़ी अच्छी एक्टिंग का मुजाहरा किया। गर्स के हर एक्टर ने असद बुखारी, अली इजाज, रजिया, हबीब, उस अलावा जमूरत सब ने बहुत ही जबरदस्त काम किया है और अपने दौर की ए सुपर दुपर हिट फिल्म सी। और नाजरीन, अगर तुहानू मेरी मालूमात अच्छी लगी होवे, मेरे चैनल नू लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो।